नमस्कार, साक्षरता पत्रिका के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां स्थित जन शिक्षण संस्थानों से तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पाकर प्रशार्थी या तो अपना रोजगार खोल सके हैं या कहीं ना कहीं रोजगार पा सके हैं। यह जन शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जाते हैं। इन्हें पहले श्रमिक विद्यापीठ भी कहा जाता था। इनका उद्देश्य था शहरों में बसे हुए श्रमिकों के परिवारों और बच्चों को शिक्षा देना, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। किंतु अब सरकार की नई नीति के मुताबिक इन जन शिक्षण संस्थानों को हर ज़िले, हर ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जाने की योजना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक श्री भास्कर चटर्जी से हम बातचीत करते हैं, जो हमें बताएंगे जन शिक्षण संस्थानों के बारे में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में और कितनी सफलता पाई है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीतियों ने। श्री भास्कर चटर्जी, आप हमें बताइए कि पिछले 10 सालों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने कहाँ तक सफलता पाई है और जन शिक्षण संस्थान की ये स्कीम कैसी चल रही है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई थी। तब से लेकर आज तक हमारा ये अभियान देश के दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ है। इससे हमारी कोशिश ये रही है कि जितने भी हमारे 15 से 35 आयु वर्ग के असाक्षर लोग हैं, उनको हम किस तरह पूरी तरह साक्षर बना दें। पहले हमने संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया, जो कि देश के केरल राज्य से शुरू हुआ था। वहाँ से शुरुआत तो हमारी हुई थी, लेकिन आस्ते आस्ते हम साथ वाले राज्यों में, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ तक हमने अभियान को खींचा। आस्ते धीरे हम उत्तर की तरफ बढ़े और आज के दिन देश के 588 ज़िलों में से 522 ज़िलों में हमारा ये कार्यक्रम काम कर रहा है। आपकी इस स्कीम का, जन शिक्षण संस्थान का उद्देश्य क्या है? जन शिक्षण संस्थान की जो स्कीम है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए और इस शिक्षा से लोगों के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आए जिससे उनका रोज़गार बढ़े, रोज़गार के जो अवसर हैं वो बढ़ जाएं और उनके दैनिक जीवन में एक वृद्धि आए जिससे वो अपने आप को और भी स्वावलंबी महसूस करें। चटर्जी साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के उस प्राचीन नगर हैदराबाद की, जो अपने जरी के काम, मोतियों के काम और विभिन्न प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। हैदराबाद स्थित जन शिक्षण संस्थान ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और यहाँ से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके अनेक युवक और महिलाएं, जिनसे हम मिले, वह आज अपने पैरों पर खड़े हैं, अपना रोज़गार कमा पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि बेहद आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं। तो आइए चलते हैं जन शिक्षण संस्थान हैदराबाद। ये है भाग्य माँ, जो एक नवसाक्षर है। इन्होंने जन शिक्षण संस्थान से कैंडल, डिटर्जेंट और फिनाइल मेकिंग का कोर्स किया और आज यह महीने के 6,000 रुपए तक कमा लेती हैं। मेरा नाम निर्मला है, मैं ये खिलौना बनाते हैं। जन शिक्षा संस्था में मैंने ट्रेनिंग करा, सीखे, फिर इसमें ही ट्रेनिंग सिखा रहे हूँ और मैं महीने को 4,000 रुपए कमा रहे और मैं बहुत बच्चों को सिखा के, उन लोग भी घर में बैठ के
लोगों को सिखा के उन लोग भी महीने को 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये से बहुत कमा रहे उन लोग भी। बहुत खुशी है हम लोग सामिका विद्यापीठ से ये ट्रेनिंग सीख के 10 लोगों को हम भी बनाने के लिए उन लोगों की मेहनत करने कैसा है वो सब सिखा रहे हमको भी बहुत खुशी है। अपिटको से हम लोग लोन ले लिया, मैंने भी सॉफ्टवेयर सीखे से बच्चों को 15 मेंबर्स को लोन दिलाया सामिका विद्यापीठ से, वो बंजारा इसमें है। नाम श्रीदेवी है, फैब्रिक पेंट सीख रही हूँ यहाँ पे, 1.5 मंथ कोर्स है। पर मंथ वो यार अर्निंग 3000 रुपीज, दिन में 200 कमाते हैं। मेरा नाम श्रीदेवी है, मैं यहाँ ट्रेनिंग देती हूँ। 20-25 तक स्टूडेंट्स हैं यहाँ और ये 1 मंथ कोर्स है, फीस 300। ये कोर्स होने के बाद ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लोन भी लेते और वो उनका ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग, और ऑर्डर्स भी लेते हैं घर पर बैठ के भी करते हैं, नहीं तो शॉप भी खुद लगा रहे ऐसा। अच्छा 2-3000 तक कमा रहे लोग। मेरा नाम देविका है, मैं यही जन शिक्षण संस्था से सीख रहे हैं अभी, ये आर्ट सब मैं यही सीख रहे हूँ। ये 1 महीना का कोर्स है, इसका पेमेंट 300 है और मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर सीख रही हूँ, और मैं अपनी कमाई से कुछ पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ ना बाद में। ये पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैं यहाँ हैदराबाद जन शिक्षण संस्था में, ये पूरा ऑल टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट सिखाते हैं यहाँ, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं यहाँ सिखा रहे हैं लोग, और ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बना के ये एम्बोजिंग सोलर वुड ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ सीख के और सेल भी कर रहे और ऑर्डर्स भी ले रहे यहाँ, मंथली अच्छा कमा रहे ये लोग। मेरा नाम वाणी है, ये सब कुछ मैंने बनाती है, ये मेरा स्टूडेंट्स है। 1 महीने में मैं 5000 कमाती हूँ, इधर हम काम करती हूँ, पहले इधर स्टूडेंट्स भी है मैं। ये पूरा थर्माकोल से मैं तैयार किया हूँ कि इससे अपने को बहुत अर्निंग होता और आगे भी बढ़ सकते, अपन ऑर्डर लेके डेकोरेशन कर सकते, शादी का फंक्शन रहा तो उसका भी नेम बोर्ड बना सकते और ऐसा चीज़ थर्माकोल से दिया बना सकते, और अपन मैं यहाँ पे सिखाती हूँ और सीखते भी बच्चे हमारे घर में भी सीखते यहाँ भी सीखते, अर्निंग अपन 1000 2000 5000 कितना बोले उतना कमा सकते हैं, अपन अपने पाँव पे अपन खट सकते और इससे अपन बहुत लाभ होता है, और इस ज़माने में बहुत कठिन है चल रहा है, ये कठिन में अपने को नहीं हो रहा, इससे ये पूरा काम करने से अपने को लाभ होता और अपना खुशी परिवार सुखी से चलेगा। నా పేరు రామలక్ష్మి అండి, నేను 30 మంది స్టూడెంట్స్ దాకా నిర్మల పెయింటింగ్ నేర్పించాను, ఇంకా ఎక్స్ట్రా పెయింటింగ్స్ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాను. 14 ఇయర్స్ నుంచి జనశిక్షణ సంస్థలో నేను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను, వేరే అదర్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. జనశిక్షణ సంస్థ హైదరాబాద్గా మేడం అయ్యి ఏ అచ్చా సిఖారాయ్ ఓ హోగ ఏ సిక్కే బహుత్ పైసా కమారాయ్ ఏ ఆజకల్ సబ్లో ఘర్మే ఏ పెయింటింగ్స్ జాగా రఖ రాయ్ షోకేలి ఇలా పెయింటింగ్స్ కో బహుత్ సారా లోక్ ఖరీద రాయ్ ఆజకల్ इसलिए निर्मल पेंटिंग का बहुत डिमांड है। मेरा नाम हबीबुनिसा बेगम है, ये जन शिक्षण संस्था से है और हमारे टीचर 2 महीने अच्छा सिखाई है फैशन डिजाइनिंग, उसमें फ्रॉक्स वो हम लोग सीख लिए और उसमें 150-200 रोज के कमा ले सकते हम, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है ये फैशन डिजाइनिंग। मेरा नाम रेणुका है, मैं जन शिक्षण संस्था में सीख रही हूँ, ये जूट का वर्क है हम और बना कर बेच रहे हैं हम सब, मैंने को 1000 रुपये कमा लेते हैं।
हैदराबाद में बहुत मशहूर और बहुत ही इसका उम्दा काम होता है और ये बहुत मशहूर है, बहुत ज़माने से ये काम का बहुत इसका डिमांड है और इसको बहुत ज़्यादा कीमत में काम डलता है और इसको ये हैदराबाद का ख़ास काम है, इसको बहुत सारे ख्वाहिश से बनाते हैं ये और बहुत बढ़िया से बढ़िया काम बनता है ये। और 3 महीने का कोर्स है, इसके बाद इन लोग घर में अपना ओन डाल के और अच्छा महीने को 5-6 हज़ार कमा सकते हैं। अगर कुछ मेंबर को जमा करके भी करें तो इसका और ज़्यादा इसका फ़ायदा कमा सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा आमदनी होगी। अगर अकेले कमाएंगे तो 5-6 हज़ार कमाएंगे, अगर 2 मिलके कमाएंगे तो इसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। JSS में ये 20 मेंबर हर इसके बैच रहता है, उनको 3 महीने का कोर्स सिखाते हैं और 200 रुपये उनको देते हैं और सीखने के बाद इन लोगों खुद कंप्लीट अपने घर बैठे 6 हज़ार कमा सकते हैं लोग। ये अगर एक डालें तो इसको 1 महीना लगेगा, अगर 2 डालेंगे बैठ के तो 15 दिन लगेंगे, 4 बैठ के करेंगे तो 8 दिन करेंगे, ऐसा है इसके पर। जितने ज़्यादा बैठेंगे तो उतने जल्दी होगा ये काम। मेरा नाम निखत फातिमा है, हम ये जरी का काम सीख रहे हैं JSS में, हम कुछ कमा सकें, कुछ ज़रूरत की चीज़ खरीद सकें, हमारे पैरों पे खड़े हो सकें। जन शिक्षण संस्था से जरी वक सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं, इसे सीख कर हम बहुत कुछ कमा सकते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और आगे चलकर प्रोफेशन भी बना सकते हैं इसे और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साहबजी साहब, हैदराबाद के जन शिक्षण संस्थान में से आयरन डिफ्रेजेशन का काम सिखा था मैं और सिकंदराबाद के ओल्डा सर्विस स्टेशन से वहाँ पे काम कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर के पास। ये कोर्स सीखने से मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा नाम है PMV ओम सी कृष्णा, मैं हैदराबाद जन संस्थान से शिक्षा लिया हूँ। मैं रिफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन सीखा हूँ यहाँ। यहाँ सीखने के सर्टिफिकेट मिलते कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे जॉब मिल गया है, वो हैदराबाद हाईटेक सिटी में मिल गया है। वहाँ मैं AC प्लांट ऑपरेटिंग का जॉब कर रहा हूँ। मैं जन शिक्षण संस्था का बहुत आभार हूँ। मेरा नाम जी सुरेश बाबू, मैं हैदराबाद जन शिक्षण संस्थान का कोर्स R&D रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन कोर्स सीख लिया। ये सीखने के बाद मेरे को 5-स्टार होटल में जॉब मिला, इसका उसमें मेरे को 4 हज़ार तनख्वाह मिल रहा है। ये बहुत मैं खुश है, मेरे को अभी अच्छा है, मेरे साथ तो बहुत लोगों ने सीख लिया, पूरा लोग अच्छे है अभी। मेरा नाम श्रीनिवास राजू है, ये इधर मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का काम सिखा रहा हूँ। ये कोर्स 20 साल से चल रहा है इधर, एवरी ईयर 40 मेंबर्स आ रहा है सीखने के लिए। इन लोग बाहर जाने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत इंडिपेंडेंट काम भी कर रहे हैं इन लोग, वो उन वर्कशॉप भी लगा लेके काम कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहा है। इधर रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, बॉटल कूलर्स, डीप फ्रीजर्स, कोल्ड स्टोरेज एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स बहुत सीख ले रहे, बहुत अच्छा नौकरी मिल जा रहे, बहुत अच्छा सक्सेस हो रही है कोर्स में जो ज्वाइन हो रहे हैं इन लोग, बहुत अच्छा कमा भी हैं इन लोग, बहुत अच्छा फ्यूचर भी है इन लोग। मैं जन संस्था शास्त्रन की टीचर हूँ और कोर्सेज सिखाती हूँ और मैं खुद अपने पैरों पर ठहरी हूँ, महीने को 2-4 हज़ार कमा लेती हूँ और हर लड़कियों को मेरे जैसा अपने पैरों पर खड़े रहने की ट्रेनिंग देती हूँ। अगर मैं एक शॉप खोल के 4 ब्लाउज़ सी सकती हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहती हूँ। अगर 4 लड़कियाँ 4 ब्लाउज़ सिए तो 4 घर में 50-50, 100-100 रुपये कमा सकते हैं और ये लड़कियाँ मेरे पास 6 महीने में पूरी ट्रेनिंग करके कम से कम महीने कुछ 1,000-1,500 जैसा भी हो वो लोग कमा रहे हैं। मैं जन संस्थान की स्टूडेंट हूँ और मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, ये कोर्स मैंने 6 मंथ्स में कम्प्लीट किया है। उसके बाद मैंने बहुत कपड़े सिए हैं और अपने घर के खर्च भी मैं चला सकती हूँ आज। मेरा नाम मेहर है, मैं जन शिक्षण संस्थान की स्टूडेंट हूँ। मैं 6 महीने में ये टेलरिंग का कोर्स सीख चुकी हूँ और जैसे बहुत सारे कपड़े सी चुकी हूँ। किराए महीना में 2-5-6 सौ से ज़्यादा कमा चुकी हूँ और अच्छे अच्छे सी डिज़ाइंस वगैरह सब कुछ आता है मुझको। आगे भी दूसरों को सिखाना चाहती हूँ। मेरा नाम श्यामला है, मैं इधर जन शिक्षण संस्थान से सीख लिया। पहले फ्लावर मेकिंग करी थी मगर स्टूडेंट्स को भी 1,000 स्टूडेंट्स को एक बार कर लिया।
बाहर भी सेल करता हूँ, बुके करके ऐसे बाहर होटल्स और फंक्शन साइड भी सेल करता हूँ। सबको मेरा स्टूडेंट्स भी कमाते कितना 2-3 हज़ार 5 हज़ार ऐसा भी मंथली कर सकता हूँ। मेरा नाम के श्रीनिवास राव है। मैं यहाँ पे जनशिक्षण संस्थान हैदराबाद से इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कोर्स किया है। इसके कोर्स किए के बाद में मेरा नीम्स में जॉब मिला है, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, और वहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मैं टेक्नीशियन हूँ। और ये कोर्स करने के बाद में तो मेरे को नौकरी ऐसे इतना ईजी से मिला कि सर्टिफिकेट देखते ही मेरे को नौकरी दे दिए। और उसमें तो मैं 2,000 रुपये कमा रहा हूँ पर मंथ। ये 2,000 रुपये से मेरा फैमिली ईजी चल रहा है। मेरे को दो बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, दोनों स्कूल को जाते हैं। उसका फीस नियरली 400 रुपीज़ पर मंथ मैं बनता हूँ। बाकी का जो 1,600 रुपये में से मेरा फैमिली आराम से चल रहा है। जनशिक्षण संस्थान हैदराबाद से आभारी इतना हूँ कि मैं आज तो खुशी से जी रहा हूँ। हैदराबाद से इलेक्ट्रिकल कोर्स सीखा था, 1995 तक कंप्लीट किया था। जब मेरे को ये सर्टिफिकेट का वजह से मेरे को जॉब मिला है, मैं जर्मनी भी विजिट किया है। वो आने के बाद मेरे किधर टेक्नीशियन का जॉब मिला। अभी मैं सीनियर सर्विस इंजीनियर हूँ, अभी 10,000 कमाता हूँ। हमारा फैमिली मेम्बर 5 मेम्बर्स है, आराम से जी सकता हूँ। बच्चों को भी स्कूल में अच्छा स्कूल में पढ़ा देता हूँ। ऐसा समझता में कोई टेक्निकल काम सीखे तो आराम से जी सकता है एनीवेयर इन इंडिया। जन शिक्षण संस्थान हैदराबाद हैज बीन एनकरेजिंग वेरी पुअर पीपल who are very much genuinely interested in learning computer languages and different other courses in the field of computers of different durations also. Some training programs free of fees and other things, and some computer training programs with a very nominal fee, so that those people who are interested, they come and learn here and get very good knowledge and gets employment elsewhere. And some people, we are very happy to say that they are in a position to start a venture of their own. So this way, computer training program is very useful. हैदराबाद जनशिक्षण संस्थान ने एक आधुनिक कार्यक्रम को नियोजित किया है, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का कोर्स, जिसे यहाँ के युवक बड़ी ही रुचि के साथ सीख रहे हैं। और इन्होंने हमारी कामयाब लोगों से मुलाकात के दौरान हमारी ही फिल्म बनाकर अपनी प्रशिक्षण क्षमता का प्रमाण दे दिया। ये कोर्स है कि फोटो एंड वीडियोग्राफी है, और जनशिक्षण संस्थान में और बहुत से कोर्स है। मेरा जो इंटरेस्टेड कोर्स है फोटो एंड वीडियोग्राफी कोर्स है, और ये कोर्स में मैंने इंटरेस्टेड था इसलिए मैंने ये कोर्स लिया। हम लोगों को इंकरेज किया, हम लोग बहुत प्रैक्टिस किया है और बहुत मेहनत के साथ ये काम किया है। हम लोगों ने 1 महीने के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा ऑफिस खोला। 1 महीने के अंदर से भगवान की कृपा से और जितने भी हमारे स्टाफ है इस जनशिक्षण संस्थान के स्टाफ से, उनके आशीर्वाद से हम लोग को दो तीन जो है ना हमारे ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर्स कैसे हम लोग कुछ ये महीने के अंदर कुछ कमाया है, और 4 लोगों से हमारा कुछ पहचानत हुआ है। सोसाइटी में भी हमारे कुछ लेवल मिला है ये कोर्स करने से। हमारे इससे पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा कोई पहचाने वाला भी नहीं था, और ये कोर्स के तरफ से हम लोग बहुत लोग पहचाने लगे। 4 लोगों में बैठना उठना भी हुआ कोर्स के साथ। हम लोगों ने कुछ फील किया है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ कर सकते हैं। हमारे को कुछ ऐसा मिला है कि हम एक तसल्ली मिली है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हमारे कहने भी कुछ है वो दिखाया कि जैन शिक्षण संस्थान ने हमारे को इंकरेज करके ये जो रास्ता बताया है, ये रास्ते से हम लोग कुछ करेंगे बोल के कर रहे हैं। और उनकी दया से हम भी और कुछ आगे बढ़कर उनका नाम रोशन करेंगे बोल के भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये छोटा सा ऑफिस जाके बड़ा स्टूडियो भी बनना चाहेगा, हमारा एक संकल्प है। इसे पतल कहते हैं। ये पतल पहले हम लूज में खरीद कर इसको यहाँ पर स्टिचिंग कराते हैं। जैसा ये थ्रेड के साथ स्टिचिंग होता है, ये सिलाई होने के बाद ऐसा ये पेपर पॉलीकोट पेपर बनता है। इसके ऊपर वो पतल जो भी सीने का है वो लगाने के बाद ऐसा प्लेट बनता है। ये प्लेट बनाने के बाद ये प्लेट मार्केट में बहुत डिमांड है। और जैसा ही ये मशीन के अंदर डाई होता है,
जितने भी जने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सब जने जन शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसा ही ट्रेनिंग खत्म होंगे तो हम हमारा फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देंगे, साथ ही साथ अगर प्रॉफिट ज़्यादा हम लोग अचीव करते हैं तो हम प्रॉफिट्स भी शेयर करने के लिए तैयार है। जन शिक्षण संस्था में 5 दिन का कोर्स लिया, आज मैं 3000 कमा लेती। इन्होंने जन शिक्षण संस्थान से 2 महीने पहले बाटिक प्रिंटिंग का कोर्स किया ताकि घर बैठे ही कमा सकें और अपने खर्चे निकाल सकें। यह सूती कपड़ों पर रंग करती हैं और अपने जान पहचान के लोगों के लिए उनके मन पसंद के रंग और डिज़ाइन डालकर देती हैं। पहले से मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम, पहले कोई भी काम नहीं करते मैडम, जन शिक्षणा में ये काम सीख के उधर पार्लर खोल देते मैडम। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में 1 लाख लोन दिया मैडम, इन्हों गवर्नमेंट मेरे को पार्लर खोल दिया, मंथली 10,000 and 15,000 मनी देते मैडम मेरे को। ब्यूटी में फेशियल, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर स्टाइल्स एंड हेयर कट एंड मेकअप, ब्राइडल मेकअप, मेहंदी एंड हेयर केयर, बॉडी केयर एंड बॉडी मसाज सब सीखते हैं। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं जन शिक्षण सेवा संस्था में सनकंट्रोल फिल्म फिक्सिंग ट्रेनिंग सीखा है। सो मैं एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से खुद का कुछ शुरू करना बोल के मैं ये काम सीखा है। सीखने के बाद से मेरे को बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिला है। आज के दिन मैं अच्छा ही इनकम कमा ले रहा हूँ। अभी मैं चीफ इंजीनियर R&D में काम कर रहा हूँ। दिस इज डिफेंस का काम है, ये डिफेंस का फर्म है ये। मेरे को पूरा अच्छा अच्छा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जन शिक्षण संस्था में मैंने GTB कोर्स किया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये कोर्स अच्छा है, 3 महीने का कोर्स है। उसके बाद मैं 1.5 ईयर एक्सपीरियंस के लिए दूसरी जगह काम किया। उसके बाद मैं 20,000 इन्वेस्टमेंट कराए थे, मैं ओन लगा लिया। ये जन शिक्षण संस्था रंगारेड्डी डिवीजन में मेरे को अच्छा नया जिंदगी मिला। ये अच्छा कोर्स मैं सीख लेके यहाँ पे अच्छा काम करके अच्छा कमा रहा हूँ। मैं JSS रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर शिव कुमार हूँ। 91 में मैं इसको श्रीनिवास को मैं पढ़ाया हूँ बड़ी मेहनत से। आज अपना ओन यूनिट खोल लिया है और उनके माँ बाप को भी वो बहुत अच्छा सर्विंग कर रहा है। सो दिस इज द वेरी फेमस कल्चरल ग्रुप विच हैज बीन एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन टू जन शिक्षण संस्थान हैदराबाद इन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट लाइफ एनरिचमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स, awareness training programs and introducing vocational training programs. We take the cooperation of this cultural group and see that the people become aware of so many things, contemporary things and problems and solutions. तो अब आपसे विदा लेने का समय आ रहा है। आपने देखा कि किस तरह से
जन शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षा और ट्रेनिंग पाकर लोगों ने अपने आप को कामयाब बनाया है। तो ये थी हैदराबाद से प्राप्त जन शिक्षण संस्थान के कामयाब लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी में। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार। శిక్షణ సంస్థాన్ మనకై వచ్చిందో వచ్చింది, స్వయం ఉపాధి పథకాలెన్నో తెచ్చిందో తెచ్చింది. జన శిక్షణ సంస్థాన్ మనకై వచ్చిందో వచ్చింది, స్వయం ఉపాధి పథకాలెన్నో తెచ్చిందో తెచ్చింది. పల్లె పట్నం ఊరు వాడ తీర్చిదిద్దంగా, చిన్న పెద్ద పేద సాధల బ్రతుకులు మార్చంగా. పల్లె పట్నం ఊరు వాడ తీర్చిదిద్దంగా, చిన్న పెద్ద పేద సాధల బ్రతుకులు మార్చంగా. వేగమిరా రామాయన్న వెలుగు వచ్చర ఓయన్న, వేగమిరా ఓయన్న వెలుగు వచ్చర మాయన్న. హొయ్యా హొయ్యారే హొయ్యా ఏని ఎల్లో, హొయ్యా హొయ్యారే హొయ్యా ఏని ఎల్లో. ఉరికి వాడల ప్రగతికి మార్గం ఏని ఎల్లో, జన శిక్షణ సంస్థ లక్ష్యం ఏని ఎల్లో.